दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी में अकाउंट्स जॉब की शुरुआत करी है और वहां पर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो उस कंपनी के आपके सीनियर्स ने, आपके बॉस ने आपको ये क्वेश्चन दिया कि हमारी कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी कस्टमर का हिसाब आप हमें इनवॉइस वाइज तैयार करके दीजिए। इनवॉइस वाइज का हिसाब का मतलब भी कौन सा इनवॉइस हमने जो कस्टमर को इशू किया था उसके अगेंस्ट में पेमेंट आ गई है या अभी पेंडिंग है, तो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना अमाउंट अभी पेंडिंग पड़ा है और कौन सा इनवॉइस अभी तक 100% ही पूरा का पूरा ही ड्यू पड़ा है। तो अगर इन सभी बातों का आपको नॉलेज ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नॉलेज अभी नहीं है या आप 100% श्योर नहीं हो कि हम कस्टमर का हिसाब इनवॉइस वाइज किस तरीके से रख सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो अगर आज की वीडियो का पूरा एंड तक देख लेते हो तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है कि हम किसी भी कस्टमर का हिसाब है जो बिल बाय बिल किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, जिसे कि हमें पता चल जाए भी कौन से इनवॉइस की अमाउंट अभी पेंडिंग पड़ी है और कौन सा इनवॉइस है जो उसका क्लियर हो चुका है। तो बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाला है, विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो दोस्तों, वीडियो को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने के लिए हमने दो लेजर के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन पास करिए, तो सबसे पहले हम उन दो लेजर को ओपन हम करते हैं। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर हम जाएंगे और लेजर को सिलेक्ट करेंगे। तो कस्टमर एक था हमारे पास ए नाम का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो काफी लेजर आपको दिखाई देंगे लेकिन हमें ट्रांजेक्शन करिए एक तो ए कस्टमर और एक बी नाम का कस्टमर। सबसे पहले हम ए कस्टमर को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी जो हमारी कस्टमर की पेमेंट है वो दो कंडीशन में आती है। किस प्रकार से? एक कस्टमर ऐसा होता है भी जिसने हमें जो पेमेंट दी है वो इनवॉइस की अमाउंट के बराबर इनवॉइस उन्होंने पेमेंट हमें कर दी। जैसे कि हमने इस कस्टमर को 905 रुपए का सेल इनवॉइस इशू किया तो बराबर में हमारे पास 905 रुपए की पेमेंट है जो आ चुकी है। इसी तरीके से 813 रुपए का हमने इशू किया सेल इनवॉइस तो 813 रुपए की भी पेमेंट आ चुकी है। इसी तरीके से 1221 रुपए का हमने सेल इनवॉइस इशू किया तो 1221 रुपए का हमारे पास है जो पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है। और उसके बाद में एक इनवॉइस था 1210 रुपए का, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी तक कोई भी पेमेंट आई नहीं है। तो अगर हम इसके क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1210 रुपए ही इसका बकाया पड़ा है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि केवल ये 7 नंबर इनवॉइस ही ऐसा है इस कस्टमर का जिसके अगेंस्ट में अभी तक पेमेंट आई नहीं है। और एक कस्टमर आपको इस टाइप का भी मिलेगा जो आपको इनवॉइस वाइज पेमेंट ना करके कुछ राउंड फिगर में इस तरीके से पेमेंट करता है। जैसा कि हमने इस कस्टमर को 1355 रुपये का सेल इनवॉइस इशू किया तो उसके अगेंस्ट में अभी तक 1000 रुपये हमें रिसीव्ड हुए हैं। उसके बाद में 1960 रुपये का पेमेंट फिर भी 1000 रुपये की। तो इस तरीके से अगर आपके पास हिसाब हो तो अभी आपको थोड़ा सा थोड़ी सी आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि कौन सा बिल है जो एक्स्ट्रा अभी तक क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए आप मान लीजिए, ये तो आपके सामने 4 ट्रांजेक्शन है तो आप थोड़ा सा इजीली इसको मेहनत करके बना भी सकते हो, लेकिन आप इसी कस्टमर के मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन कुछ ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो, 150, 200 ट्रांजेक्शन हो, तो आपको एक एक इनवॉइस वाइज मैच करना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल को समझेंगे कि हम किसी कस्टमर का इनवॉइस वाइज हिसाब किस तरीके से 1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस इनवॉइस को मैनुअली अगर तैयार करोगे तो आप देखोगे भी 1355 रुपये का जो हमने सेल इनवॉइस इशू किया था उसके अगेंस्ट में अभी तक 1000 रुपये की पेमेंट हमें रिसीव हुई है। तो हम कह सकते हैं भी 355 रुपये अभी भी इस इनवॉइस का बकाया पड़ा है। तो उसके बाद में फिर 1000 रुपये आएंगे, तो अब 1000 रुपये जो पेमेंट आई है इस 1000 के अंदर पहले तो ये 355 रुपये वो आपके क्लियर होंगे, उसके बाद का जो बकाया बच गया वो आपका इस इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। फिर 600 रुपये आ गया तो इस इनवॉइस का अभी भी आपका बकाया रहेगा तो वो भी इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो इसका मतलब आपका फिर वो 1200 रुपये आया तो कुछ इसके इनवॉइस के अगेंस्ट में, कुछ आपका इस इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आपको एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका टाइम है जो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम चलते हैं सिंपल तरीके पे भी आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, टेली की शुरुआत में आप जाओगे, F11 आपको प्रेस करना है
और F11 प्रेस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस अकाउंटिंग की ऑप्शन के अंदर इनेबल बिल वाइज एंट्री। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन यस है तो सही है, अगर नो है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। और इसको यस करने के बाद में जो आपको जिस कस्टमर का भी आप इनवॉइस वाइज हिसाब तैयार करना चाहते हो तो उस लेजर को आपको एक बार अल्टर करके और ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उस वक्त ये हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो ये ऑप्शन भी आपका उस कस्टमर का यस होना चाहिए जिस कस्टमर का आप हिसाब इनवॉइस वाइज तैयार करना चाहते हो। ठीक है, तो आप दोनों इसका भी यस है और बी इसका भी यस है, तो ये दोनों यस है। तो अब आपको करना क्या होगा, जैसे ही हम इस कस्टमर का जो ट्रांजेक्शन हमने पास करी है, आप जो भी इनवॉइस इशू करोगे, जैसा कि हमने सिंपल सेल इनवॉइस हमने बनाया है, इनवॉइस की हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में आपके पास ये बिल वाइज की डिटेल का ऑप्शन जरूर आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चार ऑप्शन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको करना क्या होगा, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका जो आपका सेल इनवॉइस था, ये सेल इनवॉइस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद के अंदर अगर आपने किसी सेल इनवॉइस की एक पर्टिकुलर लिमिट आपने दी हुई है भी इस इनवॉइस को आपको इतनी तारीख तक आपको इसके पैसे आपको देने हैं, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर डेज भी दे सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 days, यानी कि अब 5 days का मतलब क्या हो गया, इसने यहाँ पे नीचे डेट लगा दी, यानी कि इस इनवॉइस की जो पेमेंट है वो 30 दिसंबर 2022 तक आनी चाहिए, क्योंकि इनवॉइस था 25 दिसंबर का, 25 और 5 30, और इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही हमारी इसकी रिसिप्ट आएगी 905 की, तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे से यहाँ से ये पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि ये जो पेमेंट है कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर आप रिसीव्ड कर रहे हो, तो ये एक नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में रिसीव्ड कर रहे हैं, तो आपका एक नंबर इनवॉइस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये तो था आपका इनवॉइस वाइज, अगर आपकी इनवॉइस वाइज पेमेंट आ रही है तो एक एक इनवॉइस आपका क्लियर होता जाएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड लेजर पे। अब जैसे कि ये हमारे पास कस्टमर है, सेम वही पोजिशन आपके पास यहाँ पर भी आएगी, ये मेथड आएगा, न्यू रेफरेंस रखेंगे, तो अगर आप इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इसको डेज भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको एक बार डेज को अवॉइड कर रहे हैं और हमने दो नंबर इनवॉइस दे दिया। उसके बाद के अंदर फिर ये हमारे पास आया 4 नंबर इनवॉइस था, तो ये 4 नंबर इनवॉइस भी हमने रेफरेंस नंबर में दे दिया। तब उसके बाद जैसे उसके हमारे पास 1000 रुपये की रिसिप्ट हमारे पास आती है, और रिसिप्ट की जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे से यहाँ से देखो पूछेगा आपसे, ये जो आपने अगेंस्ट रेफरेंस कर रहे हो ना, तो ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हो। तो देखो भी 1355 रुपये का बिल था, अब ये कह रहा है भी आपका इस इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर अभी भी 355 रुपया बकाया पड़ा है, तो आपका यानी कि 1000 रुपये की पेमेंट आप रिसिप्ट कर रहे हो। उसके बाद में फिर हमने एक इनवॉइस और इशू कर दिया, तो ये हमारा न्यू रेफरेंस में जाएगा। उसके बाद फिर 1000 रुपये की पेमेंट आई, तो अब ये कह रहा है भी आपने 1000 रुपये की जो पेमेंट आई है उस पेमेंट के अंदर आपका जो 2 नंबर बिल था 1355 रुपये का, वो यहाँ से क्लियर हो चुका है, यानी कि उसकी पेमेंट इस न्यूज इस रिसिप्ट के अंदर क्लियर होगी। उसके बाद में जितना भी आपका बकाया बचेगा वो आपने जो 4 नंबर इशू इनवॉइस जो इशू किया था 26 दिसंबर 2022 को, उसका बैलेंस बच जाएगा 1355 रुपये का। अब यहाँ पे 4 नंबर इनवॉइस इशू करेंगे तो अब यहाँ पर देखाओगे आपको ये कह रहा है 1315 रुपये का आपका इनवॉइस जो बकाया रह गया। अभी 1000 रुपये की पेमेंट थी जो आपकी इन दो इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो चुकी है, 355 दो नंबर बिल के अगेंस्ट में और 645 रुपये जो बकाया बच गया आपका वो 4 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चलते हैं 600 नंबर की रसीद पे, तो 600 नंबर के अंदर क्या कहेगा, ये जो आपकी इनवॉइस है इस इनवॉइस से क्या होगा, 600 रुपये की रिसिप्ट से आपका 4 नंबर जो इनवॉइस है उसका बकाया कुछ रह जाएगा। इंटरप्रेस करेंगे फिर 1200 आएगा, और 1200 रुपये के अंदर क्या कहेगा, ये कहेगा भी इससे आपको 4 नंबर इनवॉइस तो क्लियर हो ही जाएगा 715 रुपये की अमाउंट, और जो 485 रुपये बच गए वो जो आपका 6 नंबर इनवॉइस है उसके अगेंस्ट के अंदर आपका जमा हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस वाइज करोगे। लेकिन अब बात आती है भी हम इसको देखेंगे कैसे भी इसकी इनवॉइस की रिपोर्ट हमें इनवॉइस वाइज,
तो इनवॉइस वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आपको करना क्या होगा, डिस्प्ले पर आपको आना होगा, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद के अंदर आपसे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आउटस्टैंडिंग का, आपको आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करना है और आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको दो चीज ऑप्शन मिलेंगे, पेबल्स या फिर रिसीवेबल, आपको जो पेमेंट देने वाली है वो देखना है या फिर जो आपने पेमेंट लेनी है वो देखना है। तो हम रिसीवेबल पर एंटर प्रेस करेंगे, एल्ट एफ वन के साथ इसकी डिटेल को ओपन कर लेंगे, यानी कि एल्ट एफ वन पूरा डिटेल खुल जाएगा और यहाँ से आपको एल्ट एफ टू का चेंज पीरियड भी चेंज कर लेना है जिस तारीख तक आप देखना चाहते हो रिपोर्ट। तो उसके बाद वो सारे कस्टमर की पार्टी का जो नेम है वो सारी लिस्ट आपके पास शो करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, जो बी कस्टमर था हमारा, अब ये कह रहा है आपका जो बी कस्टमर था उसको आपने सेल इनवॉइस किया था STC 06 नंबर का, अमाउंट थी 2066 रुपए की। तो ये 2066 रुपए की जो अमाउंट थी ना उसके अगेंस्ट के अंदर अभी भी 1581 रुपए बकाया पड़ा है, यानी कि उसकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है। और उसके बाद में ए कस्टमर, अब ये कह रहा है ए कस्टमर 28 दिसंबर को आपने 7 नंबर इनवॉइस इशू किया था 1210 रुपए का। तो ये जो 1210 रुपए का इनवॉइस इशू किया था, अब ये 1210 रुपए के इनवॉइस की अमाउंट पूरी की पूरी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और उसके बाद में वापस बी कस्टमर की डिटेल, अब ये कह रहा है अभी आपने एक 8 नंबर इनवॉइस इशू किया था 2681 रुपए का, और ये 2681 रुपए की जो अमाउंट है वो अभी पूरी की पूरी कंप्लीट ही पड़ी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें एक कस्टमर की वापस डिटेल हम जाके चेक करते हैं, तो एक कस्टमर की डिटेल देखने के लिए हम ए पे जाएंगे, तो आप देख सकते हो इसका 1210 रुपए ही बकाया यहाँ पर हमें दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस में, और ये 1210 रुपए ही इसका लास्ट इनवॉइस था जिसके अगेंस्ट में अभी पेमेंट आने वाली बकाया पड़ी है। तो इस तरीके से जो हमारी इनवॉइस वाइज पेमेंट थी वो इनवॉइस वाइज हमें रिसीप्ट होती रही। तो यहाँ से तो क्लियर होता रहेगा भी ये सिंगल बिल पेंडिंग है, लेकिन समस्या आती है जब इस टाइप के कस्टमर का अगर हमें हिसाब रखना पड़े बिल बाय बिल। तो ये कह रहा था ना कि 8 नंबर बिल आपका 2681 रुपए, ये तो आपका पूरा 100% ये अभी मतलब पेंडिंग पड़ा है, और कुछ अमाउंट ये 2-6 नंबर इनवॉइस था इसके अगेंस्ट के अंदर भी आपकी कुछ पेमेंट अभी भी बकाया पड़ी है जो अभी आने वाली है। तो इस तरीके से आपको इनवॉइस वाइज हम हिसाब रख सकते हैं किसी भी कस्टमर का। तो अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना।